We are going to discuss about the electron microscope. So, electron microscope, पिछले लेक्चर में हमने light microscope के बारे में पढ़ा था. तो electron microscope हम क्यों use करते हैं? यहाँ पर देखो, जब हमने light microscope पढ़ा था last lecture में, तो वहाँ पे हम optical lenses का use कर रहे थे. तो यहाँ पे electron microscope के अंदर हम मैग्नेटिक लेंसेज का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ ऑप्टिकल लेंसेज टू फोकस द हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम. अब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्यों यूज़ करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की जगह? क्योंकि इसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है. रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है. देयरफॉर आपकी जो रिजॉल्विंग पावर होगी, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ शॉर्ट होती है तो रिजॉल्विंग पावर जो है ज़्यादा होती है. तो आपको इमेज जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पर मिलती है. सो हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये 2D स्ट्रक्चर्स, इससे क्या बन सकती है आपकी जो इमेज है, यू कैन गेट द 2D इमेज ऑफ योर ऑब्जेक्ट. एंड इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? टू स्टडी द क्रिस्टल्स, मेटल्स, सेमीकंडक्टर एनालिसिस, आइडेंटिफाई फ्रैक्चर डैमेज इन माइक्रो ऑब्जेक्ट्स. उसके लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं. जो आपको इमेज मिलेगी यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट मिलती है, और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन अराउंड आपकी 5 लाख टाइम्स वो उस ऑब्जेक्ट की को मैग्निफाई करके आपको इमेज देता है. जो पूरा कॉलम है वो अंडर वैक्यूम होता है. अब जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगी. जो इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन के थ्रू, जो आपके सैंपल के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, उससे आपकी इमेज बनती है, उससे आपकी क्या बनती है? फाइनल इमेज बनती है. तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है, जहाँ से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो निकलती है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाते हैं? कंडेंसर लेंस के ऊपर जाते हैं. कंडेंसर लेंस से वो कहाँ पे फॉल होते हैं? स्पेसिमेन के ऊपर फॉल होते हैं. अब ये जो आपका ये क्या है, सैंपल होल्डर है, और इसके ऊपर क्या होता है, ये इस तरीके से स्पेसिमेन प्रेजेंट होता है, यानी कि जो आपका सैंपल है, और ये क्या है, आपका सैंपल होल्डर हो गया. तो सैंपल होल्डर के ऊपर आपका स्पेसिमेन रखा होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करेगी. वहाँ से अब स्पेसिमेन के थ्रू जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम पास करेगी, वो ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर जाएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस से इंटरमीडिएट लेंस के अंदर, और इंटरमीडिएट से कहाँ जाएगी? प्रोजेक्टर लेंस के अंदर, और प्रोजेक्टर लेंस से कहाँ जाएगी? फ्लोरोसेंट स्क्रीन. और ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है वो जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है. और ये जो स्क्रीन है आपके डिटेक्टर से जुड़ी होती है, और जो डिटेक्टर है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन से जुड़ा होता है, एंड आपको कंप्यूटर पे इमेज दिख जाती है. ओके, सो आप एनालिसिस कर सकते हो, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा, जो कि अब वो कहाँ पे कनेक्टेड होता है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन से कनेक्टेड होता है. अब ये जो आपका स्पेसिमेन होल्डर है, ये जो आपकी ट्रे है, दिस स्पेसिमेन होल्डर, ये आपका थिन कार्बन की प्लेट होती है. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, आपका जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है. जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप लैब में देखेंगे तो इस टाइप से वो मशीन होती है. और इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो वही चीज़ जो मैंने अभी आपको ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाई थी, कि इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम जो निकलती है, वो आपके डोनट शेप के, ये आपके कंडेंसर लेंस होते हैं, कंडेंसर लेंस में जाती है. कंडेंसर लेंस से आपका यहाँ पर स्पेसिमेन रखा हुआ है, स्पेसिमेन पे फॉल करेगी. ये देखो, यहाँ पे स्पेसिमेन पे फॉल करी. स्पेसिमेन पे फॉल करने के बाद वो कहाँ जाएगी? जो स्पेसिमेन के थ्रू लाइट
जो इलेक्ट्रॉन बीम पास करेगी, जो इलेक्ट्रॉन स्पेसिमिन के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसमिशन में आपको ये याद रखना है कि जो आपके सैंपल के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बीम जाएगी, उसी से फाइनल इमेज बनती है। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो आपके स्पेसिमिन के थ्रू गई, वो अब फिर कहाँ जाएगी, ऑब्जेक्टिव लेंसेज के अंदर, फिर आपके इंटरमीडिएट लेंसेज होते हैं, फिर प्रोजेक्टर लेंस है, और फिर वो प्रोजेक्टर लेंस जो है कहाँ पे जुड़े होते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जाती है ये जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं। अब जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वो आपकी जिंक सल्फाइड की बनी हुई होती है। सो एडवांटेज ये है कि इसका जो मैग्निफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि आपकी जो इमेज है वो अच्छे से आपको दिखाई देगी। और इसको यूज़ करा जाता है एक्सट्रीम स्मॉल पार्टिकल्स को पढ़ने के लिए, बेटर व्यू ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोब। डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, सेंसिटिव टू वाइब्रेशन, ओनली डेड सैंपल कैन बी विजुअलाइज। आप लिविंग सैंपल को यहाँ पर विजुअलाइज नहीं कर सकते हो, सिर्फ डेड सैंपल को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो लिविंग सैंपल को अगर आप यूज़ करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, उसमें म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस कर सकते हैं। तो हम डेड सैंपल को यहाँ पर विजुअलाइज करते हैं इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम क्या कर सकती है, आपके लिविंग सैंपल को डैमेज कर देती है, इसलिए हम सिर्फ डेड सैंपल को ही यहाँ पर विजुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज जो बनाएगा वो कैसे बनाएगा, फ्रॉम दी इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्टेड फ्रॉम दी स्पेसिमिन आउटर सरफेस। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि स्पेसिमिन के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन बीम निकलेंगी उससे, लेकिन स्कैनिंग का मतलब है, मान लीजिए आपका सैंपल है, तो सैंपल के सरफेस के ऊपर से जो लाइट रेज डिफ्लेक्ट होंगी वो उससे इमेज बनेगी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। लेकिन जब हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जो आपकी इमेज बनती है वो कैसे बनती है, जब इलेक्ट्रॉन बीम जो है आपके सैंपल के थ्रू उसके अंदर से जो पास होती है उससे आपकी इमेज बनती है। सो जो आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो आपको 3D स्ट्रक्चर देता है आपके सैंपल का, डिटेल्स इमेज आपको मिलेगी पूरे ऑर्गेनिज्म की, 3D इमेज आपको मिलती है यहाँ पर। इमेज फॉर्म्ड बाय स्कैनिंग अ फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम ऑन द सर्फेस ऑफ द स्पेसिमिन। सो सबसे पहले आपको सैंपल को प्रिपेयर करना पड़ता है, वो कैसे करते हैं, सो आप सैंपल को प्लेस करने से पहले हम सैंपल को प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका जो भी आपको सैंपल विजुलाइज करना है, पहली चीज़ वो डेड सैंपल होना चाहिए, लिविंग सेल नहीं होना चाहिए। अब उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका फिक्सेशन किया जाता है बाय ग्लूटरल एल्डिहाइड। अब ग्लूटर एल्डिहाइड क्या करता है, कोवलेंटली क्रॉसलिंक करता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, एंड ये पीएच को मेंटेन करा जा सकता है, बफर आप ऐड कर सकते हो। फिर हमारी होती है सेकेंडरी फिक्सेशन। सेकेंडरी फिक्सेशन हम ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से करते हैं, जो कि कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। फिर आपका नेक्स्ट होता है डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर को रिमूव कर दिया जाता है और उसको रिप्लेस कर देते हैं इपॉक्सी रेजिन से। अभी जो इपॉक्सी रेजिन है वो क्या करता है, आपके सैंपल को हार्ड प्लास्टिक टेक्सचर देता है। ये जो इपॉक्सी रेजिन है वो आपके सैंपल को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड और प्लास्टिक जैसा टेक्सचर जो है आपके सैंपल का हो जाता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक मशीन होती है, इसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अगर आपने सुना होगा माइक्रोटोम बोला जाता है उसको। माइक्रोटोम से हम क्या करते हैं, उसकी सेक्शनिंग कर देते हैं, अल्ट्रा सेक्शनिंग। मतलब सपोज़ करो कि आपका ये सैंपल था, उसको थिन स्लाइसेस में कट कर देना, वो माइक्रोटोम का काम होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सैंपल की हमने अल्ट्रा सेक्शनिंग कर देनी है माइक्रोटोम की हेल्प से। उसके बाद हमारा सैंपल जो है माइक्रोसोम से हमने कट कर लिया और हमारे पास क्या आ गई, एक थिन स्लाइस आ गई हमारे सैंपल की। उसके बाद आप क्या करोगे, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के केस में हम उस सैंपल को कोट कर देते हैं विद अ थिन लेयर ऑफ, इसको हम कोटिंग कर देंगे इसके ऊपर विद थिन लेयर ऑफ गोल्ड प्लेटिनम टंगस्टन ग्रेफाइट
टंगस्टन का यूज़ कर सकते हो, ग्रेफाइट यूज़ कर सकते हो, या कोई भी जो मेटल डेफिशिएंट, जो मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसका आप कोटिंग कर दो। तो हमने सैंपल के ऊपर क्या करना है, गोल्ड की कोटिंग या फिर प्लेटिनम या फिर टंगस्टन या फिर ग्रेफाइट की उसके ऊपर कोटिंग कर दी बिफोर व्यूइंग इन द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपको ये काम करना है सैंपल के ऊपर, सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए, इससे पहले कि आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को परफॉर्म करें। सो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन होती है। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम मैग्नेटिक लेंसेज में जाती है, वहाँ से वो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर में जाती है और ये जो स्पेसिमेन के ऊपर फॉल करती है। अब स्पेसिमेन जो है वो किससे कवर्ड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट मेटल से कवर्ड है। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसके ऊपर फॉल करती है उसके सरफेस के ऊपर और वो डिफ्लेक्ट होती है, वो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड इसको कौन डिटेक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होता है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन से जुड़ा हुआ होता है। 3D इमेज आपको मिलेगी, सैंपल बहुत कम सैंपल आपको यहाँ पे चाहिए होता है। और इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ज़्यादा स्कैटर हुए हैं, जिस एरिया में आपके सैंपल के जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्कैटर हुए हैं वहाँ पे आपको डार्क कलर दिखता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम स्कैटर हुए हैं जिस एरिया में वहाँ पे आपको लाइट कलर दिखता है। सो यहाँ पे देखिए, ये आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ऊपर क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम गई, वो मैग्नेटिक लेंसेज में गई, फिर यहाँ पे बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, फिर यहाँ पे आपने सैंपल स्पेसिमेन को रखा है। ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा क्या है, स्पेसिमेन है, जिसको हमने गोल्ड से या प्लेटिनम से कोई भी जो मेटल इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है उससे हमने उसको कोट कर दिया है। एंड जो भी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम ट्रांसमिट होएगी वो इसके सरफेस से क्या हो जाएगी, इसके सरफेस से क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, ठीक है। तो और उसको कौन डिटेक्ट करने वाला है, आपका डिटेक्टर, और वो किससे जुड़ा होता है, कंप्यूटर स्क्रीन से जुड़ा होता है। तो आपको जो इमेज मिलती है वो बहुत ज़्यादा 3D इमेज आपको मिलती है यहाँ पर, बहुत क्लियर इमेज आपको मिलेगी, हाई मैग्निफिकेशन वाली, हाई रिजॉल्विंग पावर, और आपको 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा, और बहुत कम सैंपल आपको यहाँ पे चाहिए होता है। सो अगर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंसेस देखें, तो सबसे पहले डिफरेंस है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इट इज़ बेस्ड ऑन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एमिटेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्पेसिमिन, जो स्पेसिमिन के सर्फेस से एमिट हो रहे हैं। और ट्रांसमिशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन उसके स्पेसिमिन के थ्रू पास हो रहे हैं। सैंपल की जो प्रेपरेशन है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, सैंपल को, सैंपल जो है वो किसी भी थिकनेस का हो सकता है, उसको हम कवर करते हैं विद अ थिन लेयर ऑफ हैवी मेटल जैसे कि गोल्ड, पलाडियम, एंड उसको फिर हम माउंट करते हैं ऑन एन एल्यूमिनियम स्लैब। लेकिन जो हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सैंपल प्रिपरेशन में टाइम देना पड़ेगा, उसकी सेक्शनिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको माइक्रोटोम से बताया था कि उसकी हमें सेक्शनिंग करनी पड़ती है, एंड उसके बाद आप उसको विजुअलाइज करने के लिए ले सकते हैं। सो ये जो मैंने आपको फिक्सेशन का बताया था, ये हम किस केस में करते हैं, आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के केस में। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के केस में भी हम यही करते हैं, दोनों में जो सैंपल प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फ़र्क ये है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपको थिन स्लाइसेस चाहिए होते हैं सैंपल के, और स्कैनिंग में थिकनेस मैटर नहीं करती। रेजोल्यूशन की बात करें तो स्कैनिंग में जो रेजोल्यूशन है वो 20 नैनोमीटर तक का है, और ट्रांसमिशन में इट हैज़ मच हाई रेजोल्यूशन देन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट कैन रिजॉल्व ऑब्जेक्ट एज क्लोज टू 1 नैनोमीटर। मैग्नीफिकेशन देखें तो मैग्नीफिकेशन देखें यहाँ पे 100,000 टाइम यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनेगी वो इसको 100,000 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है, ओके। और यहाँ पे देखिए इसकी जो आपकी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर है वो आपकी सेम से ज़्यादा है। और अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो
तो जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वहाँ पे 3D इमेज मिलती है और TEM में आपको 2D इमेज मिलती है। एप्लीकेशन की बात करें तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करा जाता है टू स्टडी द टोपोग्राफी एंड एटॉमिक कंपोजिशन ऑफ द स्पेसिमेन, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ द सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन वायरसेस एंड साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स एंड अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन द सेल मेम्ब्रेन्स। अब हम अगर लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस देखें तो लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, यहाँ पर लाइट है एज अ इल्यूमिनेटिंग सोर्स और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम होती है जो कि इलेक्ट्रॉन गन से निकलती है। लाइट माइक्रोस्कोप में जो स्पेसिमेन प्रिपरेशन है उसमें कुछ मिनट से कुछ घंटे लग सकते हैं, लिविंग या डेड सैंपल आप कोई भी सैंपल ले सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो स्पेसिमेन प्रिपरेशन है उसमें आपको एक दो दिन लग जाता है एंड केवल आप डेड और ड्राइड स्पेसिमेन को ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देख सकते हो। लाइट माइक्रोस्कोप कंडेंसर ऑब्जेक्टिव आईपीस लेंस जो है वो आपके ग्लास से बने हुए होते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो भी आपके लेंसेज हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में जो स्पेसिमेन है दैट इज स्टेन बाय द कलर्ड डाइस, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में स्पेसिमेन को कोट किया जाता है विद हैवी मेटल्स इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। लाइट माइक्रोस्कोपी में जो रिजॉल्विंग पावर है, रिजॉल्विंग पावर का मतलब है कि जो दो ऑब्जेक्ट बहुत पास पास में है उनको एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट डिस्टिंग्विश कर पाना, दैट इज़ द रिजॉल्विंग पावर। तो यहाँ पे लो होती है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हाई होती है। मैग्निफिकेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हाई होती है। वैक्यूम आपको नहीं चाहिए फॉर द लाइट माइक्रोस्कोप, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वैक्यूम जो है असेंशियल होता है। लाइट माइक्रोस्कोप में जो इमेज है दैट कैन बी सीन बाय आईज थ्रू द ऑक्यूलर लेंसेज, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप आईज से नहीं देख सकते, आपकी जो इमेज है वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर आपको दिखाई देती है, प्रोड्यूस होती है। ओके, इसीलिए आपने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा तो उसमें आई लेंसेज नहीं थे, आईपीस नहीं था, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप में आईपीस लेंसेज होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.